दोस्तों आपके पास भी अगर अमेजोन का गिफ्ट कार्ड बैलेंस और कैशबैक बैलेंस है, उसको आप बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। मैं आज के इस वीडियो में आपको लाइव ट्रांसफर करके दिखाऊंगा और दोस्तों इस ट्रांसफर करने में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सोल्यूशन भी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना अमेजोन बैलेंस को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो बैलेंस है वो गिफ्ट कार्ड बैलेंस में, तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 875 रुपये का बैलेंस यहाँ पे है जिसको मुझे बैंक में ट्रांसफर करना है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता हुआ कि आप अपना अमेजोन का गिफ्ट कार्ड बैलेंस जो नया वाला मर्चेंट है उसके हेल्प से आप ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें ऑप्शन दिया जा रहा है। बट उसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम आ गया है, जहां से आप अपना अमेज़न गिफ्ट कार्ड बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करने जाओगे, यहां से आप स्कैन करोगे नया वाला क्यूआर को, तो आपको इसमें एक प्रॉब्लम शो होता है। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। जैसे ही दोस्तों आप नया वाले क्यूआर को स्कैन करोगे तो यहां से आपको इनवैलिड देख सकते हैं यहां पे बताएगा अकाउंट एंड यूपीआई आईडी, आपको इस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। आपको इस तरह से आपको बैंक ऑप्शन मांगेगा, उसके बाद यहां से बैंक डिटेल्स मांगेगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपको पता होगा कि यहां पे जो अमेज़न का जो न्यू वाला मर्चेंट आया है उससे आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट बहुत सारे अकाउंट पे ये प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है मैं दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा। देख सकते हैं इसी बैलेंस में मेरे अकाउंट में अमेज़न में देख सकते हैं 875 रुपया है, इसको ट्रांसफर करने जाऊंगा तो ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बट मैं आपको इस मोबाइल से ट्रांसफर करके दिखाऊंगा और इस मोबाइल से ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है, आप सभी लोगों का ट्रांसफर होने लगेगा। यहां से ऑप्शन ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये प्रॉब्लम हट जाएगा। इसके लिए क्या सोल्यूशन है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपको सबसे पहले करना है क्या है, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। और टेलीग्राम पे दोस्तों आपको मैं एक लिंक दिया हूं, देख सकते हैं अमेज़न का एपीके का लिंक दिया हूं। इस लिंक को सबसे पहले आप अपना अमेज़न ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों मैंने जो लिंक दिया है इस लिंक को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अमेज़न का ऐप दिया है उसको आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद अपना डिटेल्स डाल के इसमें लॉगिन करना है। डिटेल्स डाल के दोस्तों लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपका अकाउंट इसमें लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहां से आपको सिंपल सा अमेज़न को ओपन कर लेना है। तो मैं यहां से लॉगिन करके मैं इसमें डिटेल्स डाल चुका हूं और वही वाले वर्जन को आप इंस्टॉल करना है जो वर्जन मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया है। उसके बाद जाके आप स्कैन करेंगे दोस्तों तो आपको जो प्रॉब्लम आ रहा था उस डिवाइस में वो प्रॉब्लम इस डिवाइस में नहीं आएगा। यहां पे देख सकते हैं मैं यहां से स्कैन करूंगा, स्कैन करने के बाद मैं यहां से पेमेंट करने जाऊंगा तो मेरा पेमेंट आसानी से हो जाएगा। यहां पे देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिया जाएगा पेमेंट करने का, तो मैं यहां से आसानी से पेमेंट कर सकता हूं। यहां पे लाइव मैं आपको दिखा देता हूं, देख सकते हैं इस बार मुझे ऑप्शन दिया जा रहा है पेमेंट पेड करने का। यहां से देख सकते हैं 875 रुपया पेड करने का मुझे ऑप्शन दिया जा रहा है। मैं यहां से 875 रुपया सेलेक्ट कर लूंगा और पेड करूंगा। मेरा बैलेंस यहां से देख सकते हैं, मेरा बैलेंस यहां से पेड हो जाएगा। आपके सामने मैं पेड करके दिखा देता हूं जिससे आप लोगों को बिलीव हो। तो यहां से देख सकते हैं मेरा बैलेंस पेड हो चुका है। मेरा जो भी गिफ्ट कार्ड बैलेंस था वो अब ट्रांसफर हो चुका है। ये बैलेंस दोस्तों सैटरडे संडे को सेटल नहीं होता है, नेक्स्ट वर्किंग डेज में सेटल होगा। तो आज 11 तारीख है दोस्तों, तो आज संडे और सैटरडे है, तो आज सेटल नहीं होगा, कल भी सेटल नहीं होगा, दो तीन दिन बाद मेरे बैंक अकाउंट में सेटल हो जाएगा। इसमें दोस्तों चार्जेस भी लगते हैं बट आपको कम चार्ज में ये बैंक में आपको ट्रांसफर हो जाएगा। आपको भी अगर अर्जेंट है पैसे की, आपके पास अमेज़न गिफ्ट कार्ड में बैलेंस है उसको आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको टेलीग्राम पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मैं आपका जो भी बैलेंस है गिफ्ट कार्ड बैलेंस उसको बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा, इंस्टेंट मैं आपको रिफंड भी दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और आपको जो प्रॉब्लम आ रहा था उसका सोल्यूशन भी आज के इस वीडियो में मैंने दे दिया। तो आप दोस्तों जल्दी से जाइए और जो ऐप मैंने ट्रिक बताया उस ट्रिक को फॉलो करके आप अपना अमेज़न का जितना भी गिफ्ट कार्ड बैलेंस उसको जल्दी से बैंक में ट्रांसफर कीजिए। थैंक यू सो मच।